See, if you talk about Nagaland, Nagaland में कौन सा issue हमने cover किया था? RIIL, है ना? उसका reason क्या था? Migration. इसका reason क्या है? Brexit का reason क्या है? हर जगह migration है ना? You have to prepare 150 topic. करंट अफेयर के 150 टॉपिक कर लो, हाई क्वालिटी टॉपिक, मतलब ये नहीं न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है वो एक टॉपिक है, सब मतलब सारे एस्पेक्ट कंसेप्ट 150 के बाद कुछ नहीं कर देते। इसमें से 13-14 क्वेश्चन आएंगे जिसमें मार्क्स मिल जाए, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन होता है जो किसी को नहीं आते, उसमें आपने लिखना है, वो यहाँ से एप्लीकेशन आएगी। 3-4 क्वेश्चन होते हैं मीडियम, लेकिन आपके अगर 12 क्वेश्चन हाई क्वालिटी हो गए फिर तो ऐसे मार्क्स बहुत आ जाएंगे। 7-7.5 मार्क्स आपने 12 में ले लिए, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं, फिर तो वो टॉप लेवल की परफॉर्मेंस होगी, है ना? तो 150 टॉपिक अभी आई थिंक हमने 34 और 35 टॉपिक हमारे कवर हो गए, तो बस 120 और हो जाएंगे दिसंबर तक, आई थिंक दिसंबर जनवरी तक हो जाएंगे। उसके बाद रिपीट ही होते रहते, मुझे टॉपिक नहीं मिलते कौन से कवर करो, तो बता दिया करो अगर किसी ने कोई और ये टॉपिक कवर करवा देना नेक्स्ट टाइम में करवा देना। ओके, NRC सी यू हैव टू ट्रेस द हिस्ट्री लिटल बिट, ज़्यादा नहीं, कि व्हाट आर द रीज़न। देयर आर वेरी समवेयर अराउंड 1800 क्या हुआ, दैट ब्रिटिशर्स दे माइग्रेट पीपल फ्रॉम बंगाल, है ना, मुस्लिम पीजेंट, दे माइग्रेट मुस्लिम पीजेंट फ्रॉम बंगाल टू असम। रीजन वाज, क्या रीजन था, फर्टाइल सोइल, है ना, सो दे ट्राई टू इंक्रीज देयर इनकम, फॉर दैट दे नीड अ लेबर, सो दे ट्रांसफर और माइग्रेट मुस्लिम पीजेंट फ्रॉम लोकल एरियाज। इवन इन 19 ये सारा चलता रहा, 1931 में देयर वाज अ सेंसस सुपरिटेंडेंट सीएस मुलर, C.S. Mullen, he was a census superintendent, जो census करता है 1931. He said that, you know, with the current level of migration, है ना, from one area to Assam, it will destroy the culture of Assam. ये उसकी written statement है. It will destroy the culture of Assam in future. जो आज हुआ. उसके बाद आ गया हमारा 1935. 1935 में क्या आया था, एक्ट 1935 का, उसके बाद इलेक्शन हुए, देयर वर टू मेजर लीडर, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, टू मेजर मुस्लिम लीडर इन असम, पानी सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अनदर वन इज मौलाना बसानी, इनके नाम याद रखना, कोई भी रख लेना, या तो सादुल्ला बसानी रख लेना, कुछ भी जो आपकी इच्छा। नो दे वर ट्राइंग टू माइग्रेट अ मुस्लिम पीजेंट फ्रॉम बंगाल टू असम, स्पेलिंग क्या देखना, सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, SAADUWLAH, मौलाना बसानी, BHASANI, सो दे वर प्रेजेंट इन असम, दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस द माइग्रेशन, दे ट्राई टू इंक्रीज द माइग्रेशन फ्रॉम बंगाल पार्ट टू असम। द रीजन बिहाइंड दिस, दैट वाज अ पॉलिटिकल रीजन, वो रीजन क्या था, दैट दे ट्राई टू चेंज अ डेमोग्राफी ऑफ दिस असम, सो दैट इन फ्यूचर इट कैन बी मर्ज्ड विद द ईस्ट पाकिस्तान, समझे, क्योंकि अगर यहाँ पर असम में ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है दैट वी कैन मर्ज इट विद द बांग्लादेश, मतलब वो तो फ्यूचर का बांग्लादेश होगा, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। सो दिस वॉज द रीज़न,
No, their current step was opposed by Congress leader Gopinath Bardoli. He was a Congress leader. उसने पोज किया. It was also a fact that Britishers knew these type of things. उनको लगा that there were a migration है ना, which is happening since a lot of decades. So they started a line system. तो ऐसा नहीं है Britishers ने migration को रोकने के लिए कोई step नहीं किया. अगर आपको exam में आ गया तो गलत हो गए statement. They started, Britishers started a line system. लाइन सिस्टम मतलब अगर यहाँ से एक एरिया से माइग्रेट हुआ है ना, उनका एक एरिया डिमार्केट कर दिया, दैट दोस इमिग्रेंट हैव टू स्टे इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, यहाँ पर ही रहोगे. सो इट कैन प्रिवेंट टू चेंज द, इट कैन प्रिवेंट द एफर्ट्स विच कैन चेंज डेमोग्राफी ऑफ असम, है ना. अगर ये लोग तो यहीं पर रहेंगे तो असम इधर है, ठीक है, जो मेजर पॉपुलेशन है, तो इनके लिए एरिया जैसे डिटेंशन कैंप की एक टाइप का. सो दैट वाज अ लाइन सिस्टम. तो इनका सॉल्यूशन जो क्या किया गया, 1936 में इलेक्शन हुए, ठीक है, क्लियर, 1936 में इलेक्शन हुए विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला. इसने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी. तो वंस ही एंटर्ड इनटू अ गवर्नमेंट तो क्या करेगा, माइग्रेशन, और क्या करेगा, अभी पहले भी तो उनके ये एजेंडा था. नो ही स्टार्टेड अ कैंपेन दैट इज ग्रो मोर फूड. उसने एक कैंपेन स्टार्ट की दैट ग्रो मोर फूड. ग्रो मोर फूड मींस दे ट्राइंग टू माइग्रेट अ पीपल फ्रॉम अदर एरियाज टू इंक्रीज अ फूड प्रोडक्शन इन असम, ठीक है. उनको लगा अगर ये कैंपेन चलाएंगे तो क्या होगा, लोग माइग्रेट करेंगे, मुस्लिम स्पेशली माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा, हमारी डेमोग्राफी चेंज होगी यहाँ से. नो विद दिस इवन अ ब्रिटिशर, जो ब्रिटिशर थे, दे सेड दैट दिस इज नॉट अ ग्रो मोर फूड, दिस इज अ ग्रो मोर मुस्लिम कैंपेन. उन्होंने इसको डीकोड किया, ये ग्रो मोर फूड नहीं है, दिस इज अ ग्रो मोर मुस्लिम. देन एट द सेम टाइम दे सेटल्ड अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स इन असम, ठीक है. तो इसके थ्रू जो ग्रो मोर फूड कैंपेन थी, इसके थ्रू इन्होंने बहुत सारे जो मुस्लिम थे वी शिफ्टेड फ्रॉम अ बांग्लादेश बंगाल टू असम. उनको वहाँ पर लाइन सिस्टम था, ब्रिटिशर ने स्टार्ट किया टू प्रिवेंट दैट, उन्होंने उनको लैंड दे दी, उनके नाम कर दिए. सो दे बिकम अ लोकल इनहेबिटेंट ऑफ असम. नाउ लेटर ऑन समवेयर अराउंड 1937 और 8 जो सादुल्ला की गवर्नमेंट थी वो खत्म हो गई, चलिए मनोटी मनोटी लॉस असम में माइग्रेट हो रहे थे, वहीं पे लैंड क्या हो गया सर, ब्रिटिशर्स ने लैंड कहाँ पे दिए हैं, ब्रिटिशर ने लैंड कहाँ पर दी, मतलब असम में दी जो माइग्रेट्स थे, ब्रिटिशर ने नहीं मुस्लिम लीडर ने, ब्रिटिशर ने पहले माइग्रेट किया 1800 में, वो तो उनका प्रॉफिट रीजन था फॉर द प्रोडक्शन. देन हमारे पॉलिटिकल लीडर जो सादुल्ला थे मुस्लिम लीडर असम में, उन्होंने पॉलिटिकल रीजन से उनको माइग्रेट किया. सो देर आर डिफरेंट रीजन. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है प्रॉफिट रीजन है देर वॉज अ पॉलिटिकल रीजन, तो दोनों ठीक है. पॉलिटिकल रीजन क्या था कि वहाँ पर असम की डेमोग्राफी चेंज करेंगे, उससे क्या होगा, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वी कैन शिफ्ट मर्ज विद द ईस्ट पाकिस्तान, क्लियर. तो उसमें हेल्प किसने की, सादुल्ला ने. सादुल्ला ने क्या किया, माइग्रेट किए लोग, उनको ग्रो मोर फूड कैंपेन एक खुलाई कि हम यहाँ पर फूड प्रोडक्शन, जैसे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे असम में, तो लोग आओ यहाँ पर खेती करो, है ना. एग्रीकल्चर जब की तो उनके नाम लैंड भी करता,
तो जो ब्रिटिशर ने लाइम सिस्टम स्टार्ट किया था कि प्रिवेंट करने के लिए वो माइग्रेशन को डेमोग्राफी चेंज ना हो, है ना, उसको इन्होंने नलीफाइड ही कर दिया, क्योंकि वो लाइन सिस्टम का मतलब क्या था कि यू आर नॉट लोकल इनहेबिटेंट, यू आर जस्ट अ लेबर लेबर, है ना, आप माइग्रेंट, यू आर अ माइग्रेंट वर्कर, अगर वहाँ पर लैंड मिल गई तो काम ही खत्म हो गया, उनको सेटल ही कर दिया सामने। देन 1938 में मुस्लिम लीग गवर्नमेंट फेल डाउन, है ना, एंड लेटर ऑन जो न्यू गवर्नमेंट आई वो किसकी होगी, बरदौली कांग्रेस गवर्नमेंट आई, गोपीनाथ बरदौली, हु वाज अपोजिंग द सदुल्ला, जिसने माइग्रेट किए थे, है ना। तो अब गोपीनाथ बरदौली क्या करेगा, अपोज करेगा माइग्रेशन को, है ना, सो ही अपोज द माइग्रेशन, क्लियर है, समझ आ रहा है, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ओके। देन 1946 में क्या हुआ, इसके बाद 1946 में क्या हुआ, इलेक्शन अगेन हुए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, एंड 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो यार अभी हुआ नहीं सर आज भी हमें दूसरों ने पकड़ा है, ठीक है, ओके। आफ्टर पार्टीशन क्या हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट का एक एजेंडा था, वो कौन सा था, एंटी माइग्रेशन, उसमें लीडर कौन था, गोपीनाथ बरदौली। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की एक स्टेटमेंट आती है 1950, वो कहती है इलीगल माइग्रेंट विल बी एक्सपेल्ड, विल बी इलीगल माइग्रेंट विल बी एक्सपेल्ड बाय क्रिएटिंग एन एनआरसी, बाय क्रिएटिंग एन एनआरसी फॉर असम बेस्ड ऑन, इसके ऊपर बेस्ड होगा 1951 सेंसस। सो दिस वाज अ स्टेटमेंट, ठीक है, एक फेस हमने किया ब्रिटिशर का, माइग्रेशन इंक्रीज हुई, सेकंड फेस हमने कौन सा किया, पॉलिटिकल, है ना, 1935 टू 1945, थर्ड फेस इज इंडिपेंडेंस टू 1960। अब इंडिपेंडेंस टू 1960 में हुआ क्या, ईस्ट पाकिस्तान बन गया, वेस्ट पाकिस्तान बन गया, लेकिन दो प्रॉब्लम हमने क्रिएट की ड्यू टू विच माइग्रेशन इंक्रीज। देखो इंडिपेंडेंस के टाइम तो हमें पता है, सभी को पता है दैट माइग्रेशन इमिग्रेशन ऑफ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माई ईस्ट पाकिस्तान टू असम एंड अदर एरियाज, है ना, जो फर्टाइल एरिया था वहाँ पर लोग सेटल हो गए, यही है हमारी धरती, है ना। सो एट दैट टाइम देर वर टू लूप होल्स इन इंडियन गवर्नमेंट्स रूल बुक, वन वॉज द पासपोर्ट एंड वीजाज डिड नॉट अप्लाई, पासपोर्ट एंड वीजाज डिड नॉट अप्लाई टू पाकिस्तान टिल अक्टूबर 1952, टिल अक्टूबर 1952। अब देखो 1947 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस, एंड टिल 1952 पासपोर्ट वीजा अप्लाई नहीं है, वो तो ऐसे ही कोई भी चला जाए, अंदर आए बाहर चला जाए, है ना। सो उससे माइग्रेशन हमने इंक्रीज कर दिया, अगर ये पासपोर्ट एंड वीजा होते दैट माइट बी द माइग्रेशन डिक्रीज एट दैट टाइम। सेकेंड वर्स फॉरनर्स एक्ट 1946, फॉरनर्स एक्ट 1946 अमेंडेड इन 1957, फॉरनर्स एक्ट 1946 अमेंडेड इन 1957 टू डेजिग्नेट पाकिस्तानी एज फॉरनर। अब 1957 में बताया कि पाकिस्तानी जो फॉरनर है, तो इतने टाइम में क्या कर रहे थे, तो इतने टाइम में तो हमने बताया नहीं फॉरनर है, तो लोकल ही माइग्रेशन हुई। सो ये दो लूपहोल जो मेजर थे हमारे, तो आपको ये प्री में पूछा जाता है, मेंस में आपकी ये आंसर राइटिंग की वैल्यू इंक्रीज करेगा, थोड़ा बहुत फैक्ट तो चाहिए, है ना, ओके। देन 1961 का सेंसस हुआ, 1961 सेंसस विच सेड दैट 220,000
2,20,691 illegal migrant entered in past one decade. Illegal migrant entered in past one decade. देखो ये justification है, समझ रहे हो? मैं इसलिए data लिखवा रहा हूँ, आपको mains में करना क्या है? When you say that immigrants increase in Assam, तो आपको ये करना है according to 1960, आपको justify तो करना है जो आप बोलोगे, है ना? 1961, तो आपको लिखना है according to 1961 census, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, वैसे तो इसकी value है, आपको भी boring लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है? तो आपको justify करना कि हाँ ये census ने बोला, ठीक है? जैसे सीएस मोलन ने 1931 में बोला था that it will destroy a culture of Assam in future, तो वो भी आपके लिए एक डेटा है, ये हिस्टोरिकल है ना, हिस्टोरिकल में ऐसे ही डेटा वैल्यूएशन होती है। सी इन 1965, अब 1965 आ गया, समवेयर अराउंड 1965 गोपीनाथ बरदौली डाइड। गोपीनाथ बरदौली कौन था? कांग्रेस लीडर। अब उसके बाद फिर क्या स्टार्ट हुआ? वोट बैंकिंग, ठीक है? वोट बैंकिंग का एक फेज पहले स्टार्ट हुआ, एक फेज बाद में स्टार्ट हुआ इंडिपेंडेंस। तो वोट बैंकिंग में हुआ क्या? इन 1978 में देयर वाज अ लीडर वो नेम हीरालाल पटवारी का नाम। ये स्टोरीज है, उनके डॉक्यूमेंट में लिखी एविडेंस, दीज आर एविडेंस, तो एविडेंस का बेनिफिट होगा। तो हीरालाल पटवारी वाज अ एमपी इन लोकसभा फ्रॉम असम, ही डाइड, तो उसके बाद क्या होगा? बाय इलेक्शन हुए, एंड इट वाज रिपोर्टेड दैट ड्यूरिंग दैट बाय इलेक्शन लॉट ऑफ इमिग्रेंट इन्फ्यूज्ड इन असम 1978 में क्या होता है? जैसे अभी हमारे क्या करते हैं कि जो लेबर है उनको आप वोटर आईडी वोटर कार्ड बना देते हो, है ना, इलेक्शन के लिए, ऐसे होता है? उसी टाइम भी ऐसे था। उस टाइम पे क्या हुआ? लॉट ऑफ माइग्रेंट्स इन्फ्यूज इन असम फोर वोट बैंक, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हीरालाल पटवारी, विच वॉज अपोज बाय आसू, AASU, आसू का मतलब क्या है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये 1967 में फॉर्म हुई थी, पहले कुछ और नाम था लेकिन वो मान लीजिए, इट वॉज फॉर्मड इन 1967, सो इट मीन्स एट दैट टाइम इट वॉज अपोज बाय आसू, he said that you have to deport these person, है ना, जो illegally आपने migrate किए हैं असम में, तो ये था next level of migration, ठीक है? So 1980, in 1980 में कौन आया? इंदिरा गांधी, ठीक है? 1980, तो वहाँ पर असम बाईपोल, असम election थे, assembly election, ये तो बाईपोल था, है ना? This was a bipole. आपने एग्जाम में जो मेंस का आंसर लिखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल हीरालाल पटवारी के टाइम पर इट वॉज एविडेंस दैट ड्यूरिंग दैट टाइम लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स, है ना, इन्फ्यूज इन असम, तो वहाँ पर आपने ऐसे एग्जाम्पल शो कर। 1980 ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में कौन थी वहाँ पर सेंटर में? इंदिरा गांधी, which was boycotted by ASU. Which lead to a violence. Violence हो गया, है ना? उन्होंने boycott कर दिया कि assembly election में भी यही काम, क्या काम है? Migration का। That migrate the people, उनको voter ID दो,
इलेक्शन जीतो, तो वहां पर माइग्रेट हुए विच आर अपोज्ड बाय आसू विच लीड टू अ नेली मसाकर। नेली मसाकर नेली एरिया, ये बहुत मशहूर है, आप इंटरनेट पर जाना आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। नेली मसाकर इन विच 2191 पीपल वर किल्ड। ठीक है, क्लियर इतना। सो इन 1984 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी असैसिनेशन, एंड देन 1985 में कौन आया, राजीव गांधी, है ना, ही साइंड अ असम अकॉर्ड। 1985 में से असम अकॉर्ड आ गया। असम अकॉर्ड किसके साथ था, आसू। इट मींस पहले क्या हुआ, ब्रिटिशर पर्सनल प्रॉफिट, देन सादुल्ला गवर्नमेंट फॉर द चेंज इन डेमोग्राफी, अगेन टू मर्ज विद द ईस्ट पाकिस्तान। उसके बाद 1947 आया, माइग्रेट तो होंगे होंगे, दो हमारी गलतियां थी, पासपोर्ट एक्ट को हमने मेंटेन नहीं किया, तो पता ही नहीं चला उनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी 1952 तक। देन फॉरनर्स एक्ट में हमने लिखा ही नहीं कि पाकिस्तानी भी फॉरनर है, ठीक है, आतंकवादी लिख दिया मेरे ख्याल से तो फॉरनर लिखा ही नहीं हमने, तो 1957 तक वो चलता है। देन बरदौली की डेथ होती है ना, तो आफ्टर दैट क्या होगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स स्टार्ट। तो जो हीरा लाल पटवारी की डेथ के बाद क्या हुआ, दैट वाज एविडेंस, है ना, दैट लॉट ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम अदर एरियाज टू असम। उसके बाद क्या हुआ, नेली मसाकर, इन नेली मसाकर समवेयर अराउंड 2191 पीपल हु वर बांग्लादेशी दे वर किल्ड इन दैट पर्टिकुलर मसाकर। उसके बाद 1984 में डेथ ऑफ इंदिरा गांधी एंड 1985 असम अकॉर्ड विच वॉज साइंड बाय, मैंने डिटेल लिखी हुई है उसकी, ठीक है, डेटा वगैरह। तो असम अकॉर्ड में था क्या, तीन चीज़ें थी, एक तो 1966 से पहले जो आए हैं वो क्या होंगे, दे आर सिटीजन। सेकेंड इज पीपल हु फर्स्ट असम अकॉर्ड में हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 का भी एक क्लॉज ऐड किया, दैट इज क्लॉज नंबर, यार पढ़ा होगा आपने, सिक्स से पढ़ा है सिटीजनशिप। देखो आप सिटीजनशिप किसी को दे रहे हो, आपको सिटीजनशिप एक्ट तो अमेंड करना ही पड़ेगा, है ना, हमने डिफरेंट रूल रखे हैं असम के लिए, तो हमने सिक्स से एक लॉज डाला सिटीजनशिप एक्ट। उस सिक्स ए में लिखा गया, उसमें ये लिखा हुआ है, दोज हु केम बिफोर 1966, दोज हु केम बिफोर 1966 दे विल बी अ सिटीजन ऑफ असम, ठीक है, जो 1966 से पहले है। दोज हु केम बिटवीन 1966 टू 24th मार्च 1971, जो 1966 से 24th मार्च 1971 उनको सिटीजनशिप देंगे, बट आफ्टर सम 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर के 10 साल उनकी जो भी कंसिडरेशन है, लेकिन अब तो जो NRC है उसमें वेरीफाइड करते हैं सारा। थर्ड पॉइंट इज दोज हु केम आफ्टर 25th मार्च 1971 दे विल बी डिपोर्ट। तो अब इनको करेगा कौन, सो इट मीन्स ये तो सारा हो गया 1985 वाला, है ना, तो एक एक्ट बनाया गया IMDT एक्ट, क्योंकि यहाँ पर फॉरनर ट्रिब्यूनल चाहिए, 1985 में अकॉर्ड हो गया, है ना, दैट वी विल डिपोर्ट हु केम आफ्टर 1971 25th कुमार। अब वो आए हैं वो कौन जस्टिफाई करेगा, उनको फॉरनर कौन बताएगा, दे आर फॉरनर, कौन बताएगा, फॉरनर्स ट्रिब्यूनल,
ठीक है, तो इसके लिए असम के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया, दैट इज IMDT एक्ट 1983। IMDT एक्ट मतलब द इलीगल माइग्रेंट, द इलीगल माइग्रेशन डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट, द इलीगल माइग्रेशन ब्रैकेट में लिख दो डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट 1983। IMDT एक्ट, ठीक है। अब ये रिसेंटली आसू के लीडर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी दैट दिस ट्रिब्यूनल इज अ नथिंग, क्योंकि IMDT एक्ट जो 1983 है दिस इज अ डिफरेंट फ्रॉम फॉरनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1946। ये याद रखना, फॉरनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1946 जो है हमारा वो कौन सा है, ठीक है, एक है IMDT एक्ट, ये फॉर्म किया गया 1983 में। यहाँ पर देख लो एक बार, ये वाला है 1946, क्लियर। तो पहले असम में कौन सा स्टार्ट हुआ, 1983, ठीक है। अब इस फॉरनर ट्रिब्यूनल, इसके अंदर फॉरनर ट्रिब्यूनल फॉर्म हो गए क्योंकि 1985 में हमारा असम अकॉर्ड हुआ है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। नाउ आसू के लीडर ने ये सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दी कि भाई ये ट्रिब्यूनल है नहीं कुछ, ये काम मतलब इसने सेलेक्ट ही नहीं किए कौन से फॉरनर ट्रिब्यूनल में। तो उसका रीज़न था कि इसने ऑनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अभी जो असम में सिटीजनशिप प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सिटीजन, लेकिन इस ट्रिब्यूनल में क्या था, विद द स्टेट। सो ऑनर्स टू प्रूव अ सिटीजनशिप वाज विद द स्टेट, तो वो द स्टेट वो काम होगा ही नहीं कोई, है ना। सो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको नलीफाई कर दिया, उसने बोला जो फॉरनर ट्रिब्यूनल बनेंगे वो किसके अंदर बनेंगे, फॉरनर ट्रिब्यूनल एक्ट 1946, क्योंकि इसमें फॉरनर ट्रिब्यूनल एक्ट 1946 के अंदर जो ऑनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वाज विद द सिटीजन। समझे आप, समझ आया, तो लिख लो दो लाइनें इसमें। द बर्डन ऑफ प्रूफ IMDT एक्ट के अंदर, द बर्डन ऑफ प्रूफ विच अर्लियर लेड विद द इंडिविजुअल, अर्लियर मतलब फॉरन ट्रिब्यूनल एक्ट 1946, ठीक है, अर्लियर लेड विद द इंडिविजुअल टू एस्टेब्लिश नेशनैलिटी वॉज ट्रांसफर टू स्टेट, कि जो पहले तो ऑनर्स किसके साथ, पीपल के साथ है ना, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैव टू प्रूव वेदर ही इज अ सिटीजन और नॉट सिटीजन, बट नाउ इट शिफ्ट दैट ऑनर्स टू अ स्टेट, तो स्टेट का तो काम बढ़ गया। सो इट वॉज अपोज बाय आसू लीडर जिसका नाम था सर्बानंदा सोनोवाल। तो आपको यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज सर्बानंदा केस भी आपने न्यूज में पढ़ा, वही है, ठीक है। देन लेटर ऑन IMDT एक्ट वॉज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट, क्लियर, ठीक है। तो ये एक्ट तो खत्म हो गया, नाउ न्यू पुश किसके अंदर आई, 1946 के अंदर। तो इसमें अच्छा आपको जो घर में पढ़ना है दैट इज फॉरनर ट्रिब्यूनल को पढ़ लेना एक बार, उसमें अभी अमेंडमेंट भी हुई है ना, पूरे इंडिया में इस्टेब्लिश किया और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक बार आप प्री के लिए पढ़ देना, तीन चार लाइन है कुछ ज़्यादा। न्यू पुश फॉर डिटेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ फॉरनर एक्ट, ठीक है। तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया ऑर्डर कि भाई NRC को रिवाइज करो, है ना, एंड फाइनल डेट कौन सी थी, दैट इज एंड ऑफ 2018। सो क्लियर आ गया सारा समय, हाँ जी। IMDT को आई थिंक दो तीन एग्जैक्ट डेट देख लेना, ये नहीं बात कर रहा हूँ मैं, डेट की तो बात नहीं कर रहा, एग्जैक्ट डेट नहीं है वो, टाइमिंग की नहीं, रिवाइज करने का कौन सा, हाँ जी रिवाइज करने का ये कौन सा टाइम है, क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करने का ये फॉरनर ट्रिब्यूनल है 1946, इसके अंदर फॉरनर ट्रिब्यूनल जो बने, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग और कौन सी इलेक्शन मतलब क्या उसकी जो भी है, ओके। सी अब ये सिस्टम तो सेट हो गया, अब क्या होगा लीगेसी डेटा,
क्लियर है, इतना क्लियर है ना, सारा समझ आया NRC, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ दैट हाउ यू विल से दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ फॉरनर और पर्टिकुलर पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ असम, है ना, यही तो है हमारा इशू। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पहले डेटा तो होना चाहिए आपके पास, डेटा कौन इकट्ठा करेगा, असम गवर्नमेंट उनकी ऑफिशियल, तो उन्होंने एक लिगेसी डेटा बनाया, लिगेसी डेटा जिसमें कौन कौन सी चीज इंक्लूड थी, एक तो 1951 NRC, सेकंड इलेक्टोरल रोल 1971, ठीक है, क्योंकि अब क्या है दैट दोज हु माइग्रेट बिफोर 1971 दे विल बी अ सिटीजन। अच्छा, नागालैंड का RIN और NRC ऑफ असम दे टू आर डिफरेंट इन द सेंस दैट दिस इज अ जस्टिफिकेशन ऑफ अ सिटीजनशिप, वो नहीं है, ऐसा नहीं RIN वो पूछ ले कि वो सिटीजनशिप का प्रूफ है, नहीं, नागालैंड के केस में नहीं, ये वाले में, ठीक है, आधार कार्ड इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, अरे नहीं, ठीक है, ओके, नो इलेक्टोरल रूल, ये दो डॉक्यूमेंट है, इनकी हार्ड कॉपी थी इनके पास, तो हार्ड कॉपी में प्रॉब्लम क्या थी, जल चुकी थी कुछ, है ना, मिलती आजकल डेट ऑफ बर्थ अगर आप निकालने जाओ मिलता ही नहीं, कंप्यूटराइज कर दिया, कंप्यूटराइज में होता ही नहीं, ठीक है, तो एक तो NRC 1951 का डेटा होगा असम गवर्नमेंट के पास, एक इलेक्टोरल रोल जो भी इलेक्टोरल वोटिंग वगैरह जो भी उसमें सारा डेटा होता वोटर्स का, है ना, वो 1971 तक का वो होगा। इट मीन्स आपको प्रूफ लेकर जाना है, यहाँ पर आपके नाम लिखे हुए, यू हैव टू प्रूव कि ये बंदा मैं, दिस इज ऐसे ही होगा, आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए, 10 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जरूरी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने एक उसमें लिखा हुआ है एनी डॉक्यूमेंट इशू बाय गवर्नमेंट, तो उसमें सभी आ जाते हैं जो 1971 से पहले हो, है ना, तो अगर 1971 से पहले इशू होगा वो डॉक्यूमेंट जिसमें आपका, जिसमें उनको पता चल जाएगा कि ये 1971 से पहले है, है ना, क्यों गवर्नमेंट ने इशू किया, एक तो वो प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ हो सकता है कि आपका इसमें नाम हो, देन यू हैव टू जस्टिफाई कि ये बंदा मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है बबलू है तो सारे बबलू असम की सिटीजनशिप नहीं ना दे देंगे, है ना, तो वहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा दैट यू आर द ग्रैंड बबलू, है, ओके, नाउ सेकंड मेथड क्या है, फॉर एग्जांपल किसी का ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट का नाम है इसमें, है ना, अब वो ग्रैंडसन उसका नाम तो है नहीं, देन यू हैव टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट कि जिससे आपका पता चले कि यही मेरे ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स, समझे, ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जमा करवाने पड़ेंगे, इसमें रिफ्यूजी सर्टिफिकेट भी है ना, दैट दोज रिफ्यूजीज उनके सर्टिफिकेट जो इशू भी चल रहा है कि माने नहीं गए, 2018 में जो डेटा आया था उसमें कितने एक्सक्लूडेड थे, 40 लैक, अभी कितने 19 है, ठीक है, क्लियर है, तो इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया, एक्सक्लूडेड है, वो कहाँ गए, वो माइग्रेट हो गए इधर उधर, या तो बाकी स्टेटों में आ गए या फिर उधर बांग्लादेश कहीं ना कहीं निकल गए, उनको पता था, ओके, तो ये हमारा इशू है, इसमें हमें जो मेंस के लिए प्रिपेयर करना था Why we need this NRC और what are the obstacle और challenges? यहाँ पर आपका काम आता है, बताओ क्या होगा, सही है या गलत है, कुछ ना कुछ तो बोलो यार, देखो recalling दो टाइप होते हैं, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ आंसर राइटिंग, एक तो आप हाथ से निकालो उसको तेज स्पीड करो, दूसरा है टू डिक्रीज द टाइम टू रिकॉल, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा उसी टाइम आपका रिकॉल आ गया, रिकॉलिंग होगी, ठीक है, तो वो आपका टाइम इंक्रीज कर देगी आपके राइटिंग में, अगर आपके रिकॉलिंग कैपेसिटी इतनी है नहीं, टाइम ज़्यादा ले रहे हो, फिर आप सोचने बैठे वो पेपर ले जाएगा आंसर लेकर, है ना, तो बेस्ट मेथड यही है कि रिकॉलिंग की आप जो टाइमिंग है ना, द टाइम स्पैन, आपने क्वेश्चन पढ़ा आपका दिमाग वो उसको ढूंढ रहा है कि क्या आंसर आएगा, उसको डिक्रीज कर दो रेदर देन आपकी स्पीड, वैसे ऐसे वो कई बार तो डेस्क पर ही लिख देते हम जोश होता है ना स्टार्टिंग, ओके, नाउ
अब इम्पैक्ट क्या होगा, पहले तो बेनिफिट, व्हाई वी नीड अ एनआरसी, जो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कह दो प्रिवेंट द कल्चर ऑफ असम है ना, इंडिजीनियसनेस। सेकंड इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होगा। थर्ड वन इज इंटरनल सिक्योरिटी, फोर्थ वन इज एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसके बाद भी पॉइंट चाहिए तो एक बात याद रखना, ये कौन सा एरिया है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी एरिया हो, एक शॉर्टकट होता है चाइना फैक्टर, बांग्लादेश फैक्टर, यहाँ से माइग्रेट आएंगे, ड्रग सप्लाई होगा। सेकंड इशू, ये एरिया सेंसिटिव है, तो अगर ये एरिया सेंसिटिव है मींस वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस एरिया फ्रॉम चाइना इन्फ्लुएंस, तो सारे फैक्टर आएंगे। जितना भी रीजनलिज्म इंक्रीज होगा इंडिया में, रीजनलिज्म जैसे यहाँ पर भी इंक्रीज हो सकता है ना, सिमिलर केस पाकिस्तान है, सिमिलर पंजाब है, सिमिलर केस है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जब रीजनलिज्म इंक्रीज होता है दैट वो दैट स्टेट ट्राई टू सेपरेट फ्रॉम अ सेंटर, तो उसमें जो थर्ड स्टेट होगी वो क्या करेगी, वो अपना रोल करेगी पूरा है ना। तो ये नॉर्थ ईस्ट का कोई भी क्वेश्चन आ गया, कंसर्न आपने यही लिखने, चाइना हो गया, ये सिक्योरिटी ड्रग वगैरह है ना, बेनिफिट आपने ये लिखने हैं कि हम एशियन नेशन जो है, ईस्टर्न नेशन है ना, साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ से लेके बढ़ाएंगे देन अल्टीमेटली। तो ये आई आर में तीन चार रूल ही हैं जिसके बेस पर हर आंसर है, और तो है नहीं कुछ, ठीक है। अब कंसर्न क्या है, व्हाट आर द कंसर्न, एक तो फ्लॉड प्रोसेस, नंबर वन इज फ्लॉड प्रोसेस। फ्लॉड प्रोसेस कैसे है, ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, और उसके बाद जो लास्ट ईयर एक्सक्लूडेड थे है ना, उनमें जो इंक्लूडेड थे अब एक्सक्लूडेड हैं, और जो एक्सक्लूडेड थे अब इंक्लूडेड हैं, तो अभी आपको डेटा मिलेगा इसका, फ्रॉड प्रोसेस का, क्योंकि अभी कर रहे हैं बीजेपी वाले थे है ना। द सेकंड इज डिपोर्टेशन, डिपोर्टेशन हो पाएगी या नहीं, डिपोर्ट करोगे आप, मुश्किल क्या होगी। देखो अगर आप कल परसों न्यूज़ में उनका एक इंटरव्यू आई थी, उनकी स्टेटमेंट कि वो बोलते दैट इंडिया जो फॉरेन मिनिस्टर है बोला कंसर्न किया हो दैट ये इंडिया के इंटरनल मैटर है, जैसे उसको शायद बोला गया था जम्मू कश्मीर के मैटर में बोल रहे हैं, उसने इधर बोल दिया भाई इंटरनल मैटर है, तो वो कहता हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंडिया का इंटरनल मैटर, इंटरनल मैटर तो भेजेंगे कहाँ पे हम, वो जम्मू कश्मीर के केस में तो ठीक था, उनको रटा दिए टर्म की भाई ये बोलना है, तो यहाँ पर आप इंटरनल मैटर बोलोगे तो कल वो इसीलिए तो उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला कि इंडिया बोल रहा है दैट इट इज़ देयर इंटरनल मैटर, सो इट विल नॉट हर्ट अ बांग्लादेश इन एनी वे, सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एंड एट द सेकेंड टाइम बांग्लादेश इनफ सफिशियंट विच कैन प्रोवाइड अ लाइवलीहुड टू द पीपल, सो नो वन एवर वी कैन से माइग्रेट फ्रॉम बांग्लादेश टू असम आफ्टर 1971। उसने दो चीज़ें बोली, एक तो इंडिया का इंटरनल मैटर है हमारा कोई लेना देना नहीं, सेकेंड चीज़ उसने क्या बोली कि 1971 के बाद इंडिया से इंडिया में कोई माइग्रेट हुआ ही नहीं क्योंकि बांग्लादेश सफिशियंट है, तो वो तो क्योंकि हमारे बंदे ने बोल दिया इंटरनल मैटर भी मान के, पाकिस्तान वाले नहीं मानते, ठीक है। सो डिपोर्टेशन हो गया, इट इज लिखो इसमें लिख लो, इट इज नॉट पॉसिबल टिल वी मेक अ, इट इज नॉट पॉसिबल टिल वी मेक अ एग्रीमेंट विद द बांग्लादेश to accept those being deported,
अभी लेटेस्ट एमएचए की रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, वो कहती है अराउंड टू करोड़ बांग्लादेशी माइग्रेटेड टू इंडिया। 2 करोड़ मतलब गार्डन में माली और इंडिया में बंगाली, दोनों पूरे फुल फाइनल है ना। सेकंड थिंग इज सी, बांग्लादेश ने तो ऑलरेडी बंद ही कर दिया डिस्कशन। एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोलती है दैट 5 लाख इंडियन इलीगल इमिग्रेंट जो है वो अमेरिका में, तो इंडिया वाले बोलते हैं इलीगल क्या होते हैं, उन्होंने मतलब बात ही नहीं की इंडिया ने उसके बाद। समझ रहे आप कि जब इंडिया के इलीगल माइग्रेंट 5 लाख हैं यूएस में, इंडिया ने उसके बाद बात ही नहीं की, तो बांग्लादेश वाले कहाँ करेंगे 20 लाख के लिए। समझ रहे वो अमेरिका तो फिर भी बड़ा है, तो ये तो सो इट मीन्स अगर मान लो इंडिया ने फोर्स किया बांग्लादेश पे, है ना, फ्यूचर परस्पेक्टिव क्या है कि यूएस कहेगा कि अपने 5 लाख ले जाओ भाई, ये तो रूल तो अप्लाई होगा ही फिर, है ना। तो लिख लो इसमें बांग्लादेश हैज ऑलरेडी बिगन टू कट शॉर्ट डिस्कशन ऑन इलीगल माइग्रेशन नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इमिग्रेशन अथॉरिटीज अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख इंडियन इलीगली लिविंग इन यूएस। And India even refused to discuss the issue। इंडिया बोला हमने डिस्कस ही नहीं करना जिस दिन वो 5 लाख की बात की, ठीक है। द नेक्स्ट इज एक केस भी हुआ था अभी, सी डिपोर्टेशन इज नॉट इजी इवन इन महाराष्ट्र, वेन द गवर्नमेंट ट्राई टू डिपोर्ट अ फ्यू इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश टू बैक टू बांग्लादेश, तो उन्होंने ट्रेन में चला दिए कि जाओ अपने देश, तो उसके बाद CPI वेस्ट बंगाल से उसने क्या किया, ट्रेन में चलकर अपोज कर दिया और अल्टीमेटली उनको बेल मिल गई और उसके बाद पता नहीं चला इलीगल माइग्रेंट होते भी क्या। तो मतलब वो इलीगल माइग्रेंट समवेयर अराउंड 1200 to 1300 वो माइग्रेट करने इतने मुश्किल थे डिपोर्ट करने बांग्लादेश में, लोकल ने अपोज कर दिया, तो ये तो 19 लाख कहाँ से करोगे, कर ही नहीं सकते। तो जल्दी से 3 पॉइंट और लिख लो, ये टेस्ट पेपर ले लो। इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश नॉट लिमिटेड टू असम ओनली, they are present from Jammu and Kashmir to Kanyakumari, मतलब पूरे इंडिया में है, they are present from Jammu Kashmir to Kanyakumari so it is very difficult to deport all of these illegal migrants। सेकेंड देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अभी स्टेट उसने क्या बोला, फॉरनर ट्रिब्यूनल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को मिल गई है ना, पहले सेंटर फॉरनर ट्रिब्यूनल बनाती थी, अब रिस्पेक्टिव स्टेट, तो वेदर दैट पर्सन इज अ फॉरनर और नॉट वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट की। सो अगर स्टेट पर डिफरेंट है, एक स्टेट बोलती है हम डिपोर्ट करते हैं, दूसरी कहते नहीं, जैसे वेस्ट बंगाल है वो कहते नहीं, तो यहाँ तो यूनिवर्सल पॉलिसी हो, है ना, ऐसा तो नहीं कि आप एक स्टेट कर रहे हो एक नहीं। द लास्ट वन इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। नो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 क्या बोलता है, अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, द
देखो गवर्नमेंट ने पास करने की कोशिश की बट हुई नहीं, अगर हो भी जाती है तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट चांस है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14 अंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट खत्म कर देंगे। देखो इसमें है क्या, एक है पीएबी, पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश, जो भी इससे आएगा कौन कौन से कम्युनिटीज, हिंदू सिख क्रिश्चियन बौद्धिज्म जैन पारसी, ये चीज, और कई बार ऐसा भी लिखा हुआ कि नॉन मुस्लिम है ना, तो ये सारों को क्या होगा, दे विल नॉट बी आर इलीगल माइग्रेंट जो 2014 से पहले हुए, तो वो इलीगल माइग्रेंट होंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 19 लाख में हिंदू भी हैं मुस्लिम भी है, मेजर रख लेते हैं ना। तो इफ गवर्नमेंट पास दिस बिल तो इफेक्ट क्या होगा, ये हिंदू बच जाएंगे है ना, यही होगा, अगर हिंदू बच जाएंगे तो 1985 अकॉर्ड वायलेट हो जाएगा, क्योंकि 1985 अकॉर्ड क्या कहता है, ऑल दोज इमिग्रेंट हु केम आफ्टर 1971 दे विल बी डिपोर्टेड, तो उसमें तो ये हिंदू भी आते हैं, अगर नहीं करते तो फिर वो पता ही आपको बीजेपी वाले बोलेंगे फिर है ना कि भाई हिंदू इज अ नेचुरल, इंडिया इज अ नेचुरल होम टू हिंदूज, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो डायलमा में है, अगर तो इस एक्ट को पास करती है 1985 गया और ये 19 लाख है वो ख़त्म ही हो जाएंगे, दूसरों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सेकंड है अगर नहीं करती तो फिर वो इतने बंदों को रखना कहाँ, डिटेंशन सेंटर जो भी है इन्होंने बनाए हुए है ना, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, 19 लाख लोग अब कहाँ पर रखो। अच्छा अब ये उसके बाद जो एक्सक्लूडेड है उनकी अपील का क्या प्रोसेस है, अपील कहाँ पे करेंगे वो, ओके एक्सक्लूडेड है वो जाएंगे 120 दिन के अंदर क्या करना है, फॉरनर ट्रिब्यूनल, ये फॉरनर ट्रिब्यूनल 6 मंथ के अंदर सारा केस सॉल्व करेगा है ना, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद भाई यही है, अगर सुप्रीम कोर्ट इन्होंने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट का माने कि उसी ने तो स्टार्ट किया है ये, सुप्रीम कोर्ट 1250 करोड़ खर्च हो गए हमारे, प्रोसेस कुछ ना कुछ तो निकालेंगे, चाहे एक बंदे रिपोर्ट करे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो भाई 1250 करोड़ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉरनर ट्रिब्यूनल सेटअप करने पड़ेंगे, वी नीड अ ह्यूज नंबर ऑफ फॉरनर ट्रिब्यूनल। सेकेंड इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ऑलरेडी कितने केस पेंडिंग हैं, अब ये भी केस चले जाएंगे तो बचे हुए उस टाइम तक आप रखो कहाँ पे, अगर आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हो इतनी कैपेबिलिटी है, अगर बना भी दिए तो उसके बाद आपको एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा उनको रखने के लिए, पहले वो मांगकर खाते थे अब वो छान से गएंगे फिर बैठे बैठे होंगे, अगर वो इंडिया वाले उनको जॉब तो भेजेंगे, उनको पता है अगर गया तो वापस नहीं आएंगे। अमेरिका में क्या होता है रिफ्यूजी में, जो मेक्सिको की बॉर्डर के उधर जाते हैं उनके पाँव में वो एक रिंग डाल देते हैं है ना, तो वहाँ से डिटेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे इंडिया में तो सिस्टम है ही नहीं है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अभी, और इसका इम्पैक्ट फाइनल इम्पैक्ट क्या होता वो तो अभी हम बता नहीं सकते ना, क्योंकि गवर्नमेंट अभी क्या डिसीजन लेती है उसका क्या निकालती है, एक दो महीने में हमें पता चल जाएगा, हमारे पास तो अप्रैल तक टाइम है।